लक्ष्मी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे आस्था पसंद नहीं। क्या आपको अभी भी ऐसे लगता है कि ये लड़की हमारे लिए भाग्यशाली है? इसके आते ही हमारी फैक्ट्री बंद होने वाली है। तुम्हें दुविधा हो रही है या फिर मेरे फैसले पे संदेह? तुमने खुद भी तो परखा था ना उसे, याद नहीं जब मनाली में मैंने तुम्हारी उसके साथ फोन पे बात करवाई थी? उसकी सूरत देखते ही तुम अपनी बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकल आई थी। याद है मुझे, लेकिन फैक्ट्री को बंद करने का फैसला सुनती है। वो मेरी पहली फैक्ट्री है गुरु माँ, इस फैक्ट्री को बंद करके वहां मंदिर मत ले। तुम्हारा बिजनेस एक फैक्ट्री पे नहीं टिका हुआ है लक्ष्मी, और भी फैक्ट्रियां हैं तुम्हारे पास। लेकिन गुरुमा आपको तो पता है कि ये फैक्ट्री मेरे दिल के कितने करीब है। इसी फैक्ट्री से मैंने अपनी शुरुआत की थी और इसी फैक्ट्री की वजह से आज ये बिजनेस इतना बड़ा हुआ है। लक्ष्मी ये मत भूलो, जिस भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया उन्हीं का मंदिर बनने वाला है वहां। आरती में गाती हूँ ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस फिर वही करके दिखाने का समय आ गया। और यही बात आस्था की, जिसके बनाए हुए पापड़ में स्वयं भगवान जी प्रकट हुए हों, वो शुभ कैसे नहीं होगी? ये भी तो हो सकता है कि भगवान ने जानबूझकर आस्था को भेजा हो इस काम के लिए, ताकि वो हमें बता सके ये लड़की हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं। इस लड़की के कदम शुभ नहीं। क्या हुआ, बात हुई? नहीं राधिका, वो बात नहीं हो पाई। मुझे पता था तुम हमेशा की तरह, तुम इस बार भी शिव। पर राधिका रोका नहीं हुआ। क्या रोका नहीं हुआ? थैंक गॉड, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन तुमने तो कहा कि बात नहीं हुई, तो रोका कैसे नहीं हुआ? मैं बताने जा ही रहा था उन्हें कि ऐसा कुछ हो गया कि रोका ही नहीं हुआ। आई डोंट नो माँ, उसके बाद आस्था को लेकर थोड़ी डाउटफुल हो गई। डाउटफुल मतलब तुम्हारी मॉम को अब आस्था ठीक नहीं लग रही, राइट? ये तो और भी अच्छी न्यूज है शिव। लेकिन तुम ऐसे दुखी मन से क्यों बता रहे हो मुझे? शिव, तुम्हें बुरा लग रहा है कि रोका नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक्चुअली जो कुछ भी हो रहा है ना उसके वजह से माँ को अपनी पावर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। बस माँ को लेके थोड़ा स्ट्रेस टू, दैट्स इट। देखो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब रोका रुक गया है, हमारी बात आगे बढ़ सकती है। शिव, तुम्हारी मॉम के पास ऑलरेडी कितनी फैक्ट्रीज हैं, तो स्ट्रेस किस बात का? शी इज अ स्ट्रांग वुमन शिव, वो सब हैंडल कर लेंगी, चिल। सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारी मॉम को लगा होगा, तुम उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। वी नीड टू सेलिब्रेट दिस। देखो पहले हम काली माता के मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, ओके? उसके बाद पार्टी करेंगे। नहीं राधिका, मैं आ नहीं पाऊंगा, वो तुम जानती हो अब घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे माँ के साथ रहना पड़ेगा, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता यार। और come on, शिव, तुम्हारी मॉम को भी उतना बुरा नहीं लगा होगा जितना तुम्हें लग रहा है, वो हैंडल कर लेंगी ये सब। राधिका मैं नहीं आ सकता, प्लीज मैम। देखो एटलीस्ट काली माता के तो मंदिर चलते हैं, बाकी ही सारी बातें उधर ही कर लेंगे, ओके? ओके फाइन, आई विल सी यू। Thank you.
आइए ना माँ। नमस्ते बेटा, आओ बैठो ना। नहीं आंटी, बस ये सामान ले लीजिए वापस। सामान? वो रोका तो नहीं हो पाया, तो आप रोके का सामान ले लीजिए वापस। रोका नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा बेटा, सामान लौटाने की क्या सर। हाँ वो तो हो गई, मगर माँ ने हमसे कहा तो हम लौटाने आ गए। बाकी आप माँ से बात कर लीजिएगा। तो ये कहाँ रखे? अच्छा आंटी, अब हम चलते हैं। अरे आप पहली बार आए हो बेटा, अंदर आ जाओ ना। आंटी वो थोड़ी सी देर हो रही है, तो मैं फिर आऊंगी। नहीं ऐसे कैसे, पहली बार बिना चाय पानी के। हाँ बाप, आप आइए ना अंदर, अच्छा लगेगा हमें भी। आइए। अब क्या कहती हो माँ, इन लोगों ने रोका का तो सारा सामान लौटा दिया, अब इसका तो एक ही मतलब निकलता है। चुप कर, बेकार का मतलब निकालते रहती है। वो तो अच्छा हुआ कि आस्था घर पर नहीं है, अगर वो देख लेती तो। सुन आस्था को कुछ मत बताना। हेलो। नमस्ते लक्ष्मी जी, जी शारदा बोल रही हूँ। वो रोके का सामान आपने भिजवा दिया था तो सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है वो शिव और आस्था की शादी। शादी अगर होनी है तो हो जाएगी, आपके शगुन देने से या हमारे शगुन वापस करने से कुछ नहीं होगा। भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है, तो इसे भगवान पे ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं अभी बहुत बिजी। I'll talk to you later. लक्ष्मी, लक्ष्मी एक फैक्ट्री के बंद हो जाने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ मस्ट गो ऑन। आओ बैठो। इन कंधों में दर्द से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। देखो लक्ष्मी, फैक्ट्री के चक्कर में रिश्ते न बिगड़ जाए। तुम्हें शारदा जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हाँ लेकिन तुमने बात ऐसे की जैसे तुम्हें शादी को लेकर डाउट है। डाउट क्यों नहीं होगा? आस्था ने एक ऐसा पापड़ बनाया, आज के बाद उस फैक्ट्री में एक पापड़ भी नहीं बनेगा। लेकिन आपने ठीक कहा, अगर एक फैक्ट्री के बंद होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वैसे ही शादी के ना होने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लाइफ मस्ट गो ऑन, राइट? कंडी लगाने, लेकिन यहाँ तो पहले से ही आग लगी हुई है। तो पक्का ये शादी नहीं होगी। जय माँ दुर्गे। कहीं ये शादी ना हो इसलिए तो उन्होंने ये शगुन का सामान नहीं लौटाया है, वरना लक्ष्मी जी ऐसी बात ना करती। अगर आस्था को पता चल गया कि शगुन का सामान वापस आ गया है तो बहुत बुरा मान जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।